क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वनि सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि देखी भी जा सकती है। टोनोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विजुअल पैटर्न में बदलता है। जब किसी मंत्र या ध्वनि को इस यंत्र पर दोहराया जाता है तो यह कंपन के आधार पर विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियां बनाता है। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी है जिसका उच्चारण करने से शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने टोनोस्कोप का उपयोग करके देखा कि जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो यह एक सुंदर और संतुलित ज्यामितीय पैटर्न बनाता है जो कि श्री यंत्र से मिलता जुलता है। श्री यंत्र को ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आश्चर्यजनक रूप से जब टोनोस्कोप पर ओम का उच्चारण किया गया तो जो आकृति बनी वह श्री यंत्र की संरचना से मिलती थी। इसका मतलब यह है कि ओम मंत्र का कंपन हमारे चारों ओर संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे श्री यंत्र के प्रयोग से माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टोनोस्कोप दिखाता है कि हर ध्वनि की अपनी एक अनोखी आकृति होती है। ओम मंत्र का उच्चारण करने से शरीर और मस्तिष्क पर शांतिदायक प्रभाव पड़ता है। श्री यंत्र और ओम मंत्र के कंपन से समानता यह दर्शाती है कि ये दोनों कॉस्मिक ऊर्जा के वाहक हैं। टोनोस्कोप हमें यह समझने में मदद करता है कि ध्वनि सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए भी होती है। ओम मंत्र और श्री यंत्र के बीच गहरा संबंध वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो रहा है। इसलिए जब भी आप ओम का जाप करें तो जान ले कि आप सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कंपन कर रहे हैं। क्या आपने कभी श्री यंत्र या ओम मंत्र की शक्ति को महसूस किया है? अपने विचार कमेंट में बताएं।